फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग गीक पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैथ्स में बहुत ही बेहतरीन चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन को देख रहे थे और इसमें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का हम लोग 55 तक ऑलरेडी देख लिए थे और 56 से हम लोग कुछ क्वेश्चंस बाकी है जिसे टू बी कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एडवांस लेवल क्वेश्चन है, SSC CGA लेवल क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियोज में एंड तक बने रहिए और आप इसका फायदा उठाते रहिए। तो चलिए बगैर समय को गंवाते हुए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सर एलिगेशन क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन 56 देखिए, लिखा गया कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। तो फ्रेंड्स, यहाँ चलिए पहले आपको बेसिक से समझाते हैं, यहाँ पे बेसिक इसका क्या बोल रहा है, बेसिक पहले समझेंगे हम लोग। यानी कि यहाँ पे हम लोग, ये प्योर मिल्क है, यहाँ पे ये प्योर मिल्क है। अब प्योर मिल्क कितना दिया गया फ्रेंड्स, हमको लिखा गया कि यहाँ पे 81 लीटर। अब क्या होता है, इसमें एक तिहाई दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसमें से वन थर्ड दूध निकाला जाता है। इसका वन थर्ड अगर हम निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का मिल्क हो गया और यहाँ पे हम लोग का क्या है, ये वाटर है, ठीक है। तो यहाँ इसका अगर वन थर्ड अगर निकलेगा, मतलब यहाँ पे अगर इसका वन थर्ड अगर मिल्क अगर हम निकाल लेंगे, तो 81 में से अगर हम लोग कितना निकाल लेंगे फिर, तो 81 का वन थर्ड होता 27। यानी अगर 81 में से 27 अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा फिर, तो 11 में से 7 गया 4, यानी कि हो जाएगा हम लोग को 54 लीटर बचेगा। कितना 54 लीटर हम लोग प्योर मिल्क बचेगा, लेकिन उतना ही पानी डाल दिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, विस्थापित करने का मतलब हुआ है कि जितना दूध निकाले उतना पानी डाले, मतलब पानी कितना डाले फिर, तो यहाँ पे 27 लीटर हम पानी को डाले। ये 27 लीटर में क्या बता रहा, पानी बता रहा। अब आगे देखिए क्या बोला गया, बोला कि है ना, दोबारा एक तिहाई मिश्रण निकाला जाता। अब दोबारा एक तिहाई मिश्रण अगर निकालेगा, मतलब दूध भी निकलेगा और पानी भी निकलेगा वन थर्ड, तो यहाँ पे अगर हम लोग का 54 का अगर वन थर्ड अगर मिल्क अगर निकलेगा, वन थर्ड अगर मिल्क अगर निकलेगा, तो 54 का वन थर्ड कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कि इसका हो जाएगा 54 का वन थर्ड हो जाएगा 18, यानी कि 18 लीटर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मिल्क निकल जाएगा। तो हम लोग का बचेगा कितना यहाँ पे, तो 14 में से 8 गया 6, यानी 36 लीटर हम लोग का ये प्योर मिल्क बचेगा। और इधर हम लोग क्या करेंगे फिर, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी हम लोग वन थर्ड जो है, वन थर्ड जो हम लोग का यहाँ पे पानी निकलेगा, इसका वन थर्ड कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यानी 9 लीटर अगर हम पानी अगर हम निकालेंगे तो हम लोग बचेगा ये 18 लीटर बचेगा। लेकिन क्या होता है कि उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है, मतलब यहाँ पे हम लोग का फिर 27 लीटर क्या होगा फ्रेंड, चूंकि यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू निकला है 18 लीटर और यहाँ निकला 9 लीटर, यानी कि टोटल मिला दे हम लोग का 27 लीटर निकला जो कि यहाँ पे डाल दिया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना बन जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 8, 7, 15, 5, 7 में 1 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग 3, 3 और 1, 4, यानी 45 लीटर हम लोग क्या है, ये वाटर है। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो जो नया मिश्रण है उसमें हम लोग क्या दिख रहा फ्रेंड्स, हम लोग का मिल्क जो है वो मेरा 36 लीटर है और वाटर मेरा 45 लीटर। मतलब यहाँ पे ये मिल्क हो गया और यहाँ पे ये वाटर हो गया। तो मिल्क हमको कितना दिख रहा, मिल्क दिख रहा 36 लीटर है, वाटर दिख रहा 45 लीटर है, इसका रेशियो पूछा जा रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे 9 से 9 4 जा 36 हो जाएगा और यहाँ पे 9 5 जा 45 हो जाएगा, मतलब 4:5 का हमको फाइनली रेशियो बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये एक बेसिक प्रोसेस है, या फिर आपको इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो चलिए आप आपको समझिए। यहाँ पे सबसे पहले आप जानिए कि एक तिहाई का मतलब क्या होता है, एक तिहाई मतलब होता है एक तिहाई निकाला जाता है। एक तिहाई अगर निकलेगा फ्रेंड, तो उसमें बचेगा कितना, यानी कि 3 भाग में से अगर 1 भाग अगर निकल जाएगा तो बचेगा 2/3 भाग। कितना बचेगा, 2/3 भाग बचेगा। आप बात को समझिएगा, यहाँ पे लिखा गया मेरे पास जो लिख दिया गया प्योर मिल्क, मेरे पास ये प्योर मिल्क मेरे पास कितना दिया गया है कि 81 लीटर है। अब यहाँ पे 2 बार ऐसा काम किया जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बार हम लोग 2 घर बना लेंगे, 1 घर और यहाँ पे 2 घर ऐसा बना लेंगे। तो बोलते हैं कि एक तिहाई
है ना, दूध को पानी से विस्थापित किया जाता है। मतलब क्या हुआ कि इसका जो एक तिहाई निकाल लिया था, तो एक तिहाई अगर दूध अगर निकाल लेगा, मतलब अभी भी उसमें दो भाग दूध बाकी रहेगा, तो हम बोलते हैं सबसे पहले यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, और फिर ये काम दोहराया जाता है, मतलब फिर यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू फाइनली आएगा फ्रेंड्स, वो मेरा क्या हो जाएगा, मिल्क जो मेरा बचेगा वो फाइनली बताएगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे 3×3=9 हो जाएगा, और 9 से कट करेंगे तो हम लोग ये 9 टाइम्स में कटेगा, तो 4 हो जाएगा, 4×9=36। ये 36 क्या बता रहा फ्रेंड्स, ये मेरा प्योर मिल्क बता रहा। क्या बता रहा, प्योर मिल्क बता रहा, ये मेरा प्योर मिल्क डायरेक्ट वे में आ गया। यहाँ पे जो हम लोग निकाले मिल्क, यहाँ पे डायरेक्ट प्योर मिल्क आ गया है, तो हम लोग निकालेंगे वाटर निकालेंगे, ये वाटर निकालेंगे, वाटर निकालेंगे। तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरे पास टोटल कितना था, तो 81 लीटर था, 81 लीटर हमारे पास मिल्क था, जिसमें अब मेरे पास जो प्योर मिल्क मेरे पास बचा है कितना है, 36 लीटर बचा है। मतलब मेरे पास वाटर कितना हो गया, तो 11 में से 6 गया 5, मतलब 45 लीटर जो है मेरे पास क्या हो गया फ्रेंड्स, ये वाटर हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो पूछा जा रहा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे मिल्क हो जाएगा, यहाँ पे ये वाटर हो जाएगा। इसका अगर रेशियो देखेंगे तो मिल्क मेरे पास 36 दिख रहा, वाटर मेरे पास 45 दिख रहा, कट कर देंगे 9 से 9 4 36 हो जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर बन जाएगा। देखिए ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, लिखा गया है कि एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और टीन का अनुपात दिया गया 2:3:1। एक मिश्र धातु है फ्रेंड्स, उसमें क्या है कि हमको लिखा गया जिंक कॉपर और टीन, ये जिंक Z4 जिंक हो गया, C4 कॉपर हो गया, और T4 टीन हो गया, जिसका रेशियो हमको दिया गया है 2:3:1, हम लोग का यहाँ पे लिखा गया 1 है। और आगे फिर क्या लिखा गया फ्रेंड्स, फिर बोला गया एक दूसरी मिश्र धातु, यानी कि एक दूसरा मिश्र धातु, ये हम लोग का फर्स्ट, ये हम लोग का फर्स्ट मिश्र धातु हुआ, और हम लोग का ये सेकंड हो गया, ये हम लोग का ये हो गया सेकंड मिश्र धातु। सेकंड मिश्र धातु में क्या क्या चीज दिया गया, तो मिश्र धातु में कॉपर टीन और सीसा, कॉपर यानी C4 कॉपर हो गया, T4 टीन हो गया, और L4 लेड हो गया, लेड मतलब हो गया सीसा, ठीक है, जिसका रेशियो हमको दिया गया है 5:4:3, हमको लिखा गया 3 है, यानी कि हमको ये दूसरा सेकंड बर्तन का हमको इसमें ये अलग अलग मीटर का रेशियो दिया गया है। फिर बोला गया यदि समान भार वाले इन वस्तुओं को एक साथ मिलाया जाता, समान भारी वाली इन वस्तुओं को, समान भार तो है नहीं, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर ऐड कीजिएगा तो हम लोग का 3 और 4 7 7 5 12 हो रहा है, और यहाँ पे ऐड करेंगे फ्रेंड तो कितना हो रहा है, यहाँ पे हम लोग 3 2 5 6 हो रहा है, तो 6 को अगर हम लोग अगर 12 अगर करना होगा तो हम वो सकते इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि इधर हम लोग का 12 है, इधर भी हम लोग का 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 4 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इधर भी क्या फ्रेंड, तो इधर भी हम लोग कितना है, यहाँ पे ये 5 ऑलरेडी है ही, कोई चेंजिंग नहीं है, 4 हो गया, और यहाँ पे हम लोग 3 हो गया। मतलब ये हुआ कि दोनों बर्तन में जो फर्स्ट बर्तन में जो है जिंक कॉपर और टीन का ये रेशियो है, सेकंड बर्तन में कॉपर टीन और लेड का ये रेशियो। लेकिन हमको आगे क्वेश्चन क्या बोला, बोलता है कि यदि समान भारी वाली इन मिश्र धातु को एक साथ मिला दिया जाता तो एक नई मिश्र धातु बनाती है, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो एक नई मिश्र धातु बनाती है, तो नई मिश्र धातु में सीसे का प्रतिशत प्रति किलोग्राम भार बताना, सीसे का बताना है, सीसा का यानी इसका बताना है, ये लेड जो है ना इसका वैल्यू बताना है, प्रति किलोग्राम वजन बताना है। तो आप ऐसे समझिए बात को कि यहाँ पे मान लीजिए सेकंड वाला जो बर्तन उसमें 5 4 9 9 3 12 केजी है, और इसमें 6 4 10 2 12 केजी, मतलब हम बोलेंगे टोटल 24 केजी हो गया है, तो 24 केजी हम बोलेंगे, चूंकि यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 24 यानी हम बोल सकते हैं फ्रेंड टोटल 24 केजी अगर मेरे पास टोटल मिश्र धातु है, जिसमें मेरा लेड मेरा कितना है फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 3 है, इसको 3 केजी मान लेते हैं, यहाँ पे 3 केजी है, यानी 24 केजी में 3 केजी क्या है फ्रेंड्स, हम लोग को ये लेड बता रहा। तो हमसे पूछा जा रहा प्रति केजी इसका वजन बताना, प्रति केजी मतलब 1 केजी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो बोलेंगे 3/24 होगा, इसको कट करेंगे तो हो जाएगा 1/8 केजी, और ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 58 देखिए, काफी बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन लिखा गया, बोला 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात दिया गया। फ्रेंड देखिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट बर्तन है, ये फर्स्ट बर्तन है,
यहाँ पे हम लोग का ये सेकंड बर्तन है, हम लोग का ये सेकंड बर्तन है, यहाँ पे हम लोग का ये थर्ड बर्तन है, ये थर्ड बर्तन है, और यहाँ पे हम लोग का ये फोर्थ बर्तन, ये फोर्थ बर्तन है। ये चार अलग अलग बर्तन है जिसमें हमको लिखा गया कि दूध और पानी का अनुपात, यानी कि इसमें मिल्क एंड वाटर है, इसमें मिल्क वाटर है, इसमें मिल्क वाटर, और इसमें क्या ये मिल्क एंड वाटर है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है फ्रेंड्स, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ये हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे हम लोग ये दिया गया है। तो फर्स्ट में हम लोग मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो हमको लिखा गया 5:3 है, 5:3 है। सेकंड बर्तन में 2:1 लिखा गया, 2:1 लिखा गया। थर्ड बर्तन में हम लोग का, थर्ड बर्तन में हम लोग को 3:2 दिया गया, 3:2 है। और फोर्थ बर्तन में 7:4 दिया गया। क्या चीज है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, कौन सा ऐसा बर्तन है जिसमें दूध जो है वह पानी से कम है। दूध यानी कि कौन सा बर्तन है, यानी कि कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है, यानी किस बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट बर्तन में हम लोग को दूध कितना है, 5 है, कितना में, तो दोनों को एड करके बोलेंगे 8 में हो जाएगा, ठीक है। सेकंड बर्तन में अगर हम देखें तो मेरे पास मिल्क कितना दिख रहा, 2 दिख रहा, कितना में दिख रहा, 2 और 1 3 में दिख रहा। थर्ड बर्तन में मेरा मिल्क कितना दिख रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे 3 दिख रहा, कितना में, तो 3 2 5 में दिख रहा। फोर्थ बर्तन में मेरा मिल्क कितना दिख रहा फ्रेंड, 7 दिख रहा, कितना में दिख रहा, 11 में दिख रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको चेक करना है किसमें दूध का वैल्यू पानी से कम होगा, है ना, यानी कि बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कंपेरिजन करके एक तो आप ऐसा निकाल सकते हैं कि 50 को 8 से डिवाइड कीजिए, कुछ पॉइंट में वैल्यू आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक आप निकाल लीजिए जिसमें सबसे कम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये काम और कर सकते हैं, देखिए इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे आपस में क्रॉस कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर लेते हैं, आप वैल्यू को देखते हैं जिसमें जो कम होगा वो छोटा होगा, अभी जो वैल्यू बचेगा फिर उसको अगला से कंपेरिजन करेंगे। इधर देखिए इसको अगर इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसको अगर इससे गुना करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को 16 हो जाएगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग का नहीं होगा, हम लोग कम वाला वैल्यू निकालना है, इसलिए इन दोनों में ये छोटा हो गया। अब इधर भी चलेंगे, आप देखिए इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो हम लोग 11 ये 33 हो जाएगा, और इधर में हम लोग का ये 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा छोटा वैल्यू है, ये छोटा है, यानी कि ये वाला वैल्यू नहीं होगा। आप देखिए आप इसका कंपेरिजन किसके साथ करना है, इसका कंपेरिजन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ये हो जाएगा 5/8 हुआ, और इसमें हम लोग का ये वाला वैल्यू छोटा है, यानी कि 3/5, यानी ये हो गया हम लोग का 3/5 हो गया। आप इसमें फिर हम लोग इस तरह से कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे फ्रेंड्स इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 25 हो जाएगा, 25, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 24 24 होगा। तो बोलिए 25 24 में छोटा कौन सा हो गया, तो 24 सबसे छोटा हो गया, यानी कि ये जो वैल्यू है फ्रेंड ये सबसे छोटा, सबसे सबसे कम है, इसमें जो है ना सबसे कम, सबसे कम है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू हमको कहाँ दिख रहा, थर्ड बर्तन में दिख रहा, इसलिए हम लोग का फाइनली आंसर थर्ड बर्तन होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन 15 है, देखिए लिखा गया है काफी बेहतरीन क्वेश्चन लिखा गया है कि दूध तथा पानी से भरे हुए तीन बर्तनों में धारिता जो है 3:2:1 है। दूध तथा पानी से भरे तीन बर्तन है फ्रेंड्स, मान लेते हैं ये फर्स्ट बर्तन है, ये फर्स्ट बर्तन है, ये हम लोग का ये सेकंड बर्तन है, और ये हम लोग ये थर्ड बर्तन, ये थर्ड बर्तन। तो इसमें मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, इसमें भी हम लोग का मिल्क और यहाँ पे वाटर दिया गया, और यहाँ पे भी हम लोग क्या है, ये मिल्क एंड वाटर इस तरह से दिया हुआ है। अब बोला इसकी धारिता है, ये धारिता मतलब उसका वॉल्यूम, यानी उसका कैपेसिटी, उसका कैपेसिटी जो है हमको लिखा गया कि इसका जो है, इसमें जो मिल्क एंड वाटर की धारिता है इसमें टोटल कितना फ्रेंड, तो यहाँ पे हमको लिखा गया इसमें जो है, यहाँ पे हम लोग का 3 लीटर है, यहाँ पे 3 लीटर है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया गया, यहाँ पे हमको कितना लिखा गया, यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 1 लीटर है। आगे लिखा गया फ्रेंड्स, बोला है कि बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात जो है ना, वह हमको 5:2 है, मतलब इसमें जो हमको वैल्यू दिया गया है ये हमको 5:2 है, ये 5:2 है। सेकंड बर्तन में हमको लिखा गया 4:1, इसमें 4:1 दिया गया है, और थर्ड बर्तन में हमको लिखा गया 4:1, इसमें भी हमको 4:1 दिया गया, ऐसा कुछ दिया गया है।
और आगे फिर ये लिखा गया फ्रेंड्स, बोला पहले बर्तन से 1/3 भाग, पहले बर्तन से 1/3, दूसरे बर्तन से 1/2 और तीसरे बर्तन से 1/7 मिश्रण निकालकर एक नए बर्तन में रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहला जो बर्तन है इसका कितना है, इसमें 3 लीटर है। पहले बर्तन से 1/3 निकालेगा, इसका 1/3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका 1/3 अगर हम बोलेंगे, 1/3 अगर हम बोलेंगे मतलब एक भाग निकाला जाता है। कितना भाग निकाला जाता है, एक भाग निकाला जाता है, ये एक भाग हो गया। सेकंड से अगर हम बात करेंगे तो सेकंड में लिखा गया 1/2, इसका 1/2 अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स मतलब इसका भी कितना भाग होगा, एक भाग निकाला जाएगा। और तीसरा वाला जो बर्तन है उसमें मेरा पास कितना है, एक है, इसमें कितना निकाला जाता है फ्रेंड, तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें 1/7 निकाला जाता है, 1/7 से एक का 1/7 कितना हो जाएगा, तो ये 1/7 ही होगा, 1/7 भाग निकाला जाता है और एक नए बर्तन में रख दिया जाता है। तो बताना है कि नए बर्तन में पानी का प्रतिशत बताना है, पानी का प्रतिशत बताना है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट बर्तन में यहाँ पानी कितना बताना। तो फर्स्ट बर्तन में अगर हम पानी अगर देखेंगे तो पानी का वैल्यू कितना दिएगा, 2 दिया गया, कितना दिएगा, 2 दिया गया, यानी बोलेंगे दो भाग है कितना में, तो 5 और 2 7 में हो जाएगा। और इसलिए इसमें हम लोग का टोटल कितना निकाला गया, तो एक भाग निकाला गया, तो इसलिए 1 से गुणा करेंगे प्लस। अब दूसरा भाग में देखिए पानी कितना, दूसरा बर्तन में पानी कितना दिख रहा है, एक भाग दिख रहा है, एक भाग कितना में फ्रेंड, तो 4 5 में दिख रहा है, 5 में दिख रहा है, इसलिए टोटल, तो टोटल यहाँ पे हम लोग एक भाग निकाला गया, यानी कि 2 का 1/2 मतलब एक भाग है, तो एक में कितना बताएगा प्लस। अब तीसरा में अगर हम आएंगे तो इसमें हम लोग कितना दिख रहा है फ्रेंड्स, पानी हमको एक भाग दिख रहा है, एक भाग दिख रहा है, कितना में दिख रहा है, तो 4 5 भाग में दिख रहा, इसलिए हम लोग का 1/7 भाग में कितना होगा। तो इसका चलिए पहले हम थोड़ा सा एलसीएम इस तरह से देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2/7 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा फिर, तो 1/3500। इसका यदि अगर एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम अगर ले लेंगे तो यहाँ पे हम लोग 35 ही इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 7 से काटेंगे, 7 में 35 और 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 5 7 35 यानी कि यहाँ पे 7 हो जाएगा और 35 को 1 से भागा देंगे 35 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 करेंगे 10 7 17 18 हो जाएगा, यानी हो गया 18/35, ऐसा कुछ हो गया। तो ये हो गया क्या, हम लोग का ये निकला कि हम लोग का ये जो है ना, यानी कि हम लोग का पानी की मात्रा जो तीनों बर्तन में अगर हम देखेंगे तो पानी की मात्रा कितना है, 18 है टोटल, कितना में, तो 35 में। अब यहाँ पे एक चीज ये देखिए कि पूरे जो हम लोग नए बर्तन में जो टोटल हम लोग लिक्विड आके मिश्रण है कितना, तो टोटल मिश्रण मेरे पास एक भाग इसमें है, एक भाग इसमें है, 1/7 भाग इसमें है, मतलब हम इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे साइड में हम काम कर लेते हैं कि पहला बर्तन में एक भाग है, दूसरा बर्तन में एक भाग है, तीसरा बर्तन में 1/7 भाग है, इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा और यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि हम लोग फाइनली अगर देखेंगे तो 7 7 14 15 हो जाएगा, 15/7 होगा, ये टोटल वैल्यू बता रहा है, यानी पूरे तीनों बर्तन में जो मिश्रण है ना वो 15/7 है, और जिसमें हम लोग का ये जो है उसमें हम लोग का वाटर जो है उसमें कितना है, तो हम लोग का ये 18/5 है, तो ये वाला भाग इतना का कितना भाग होगा, इसलिए हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हम देखेंगे तो बोलेंगे ये वाला जो भाग है 18/35 जो है किसका, तो 15/7 का, 15/7 मतलब क्या हुआ, 7 चला जाएगा ऊपर, 15 आ जाएगा नीचे, और चूंकि हमको प्रतिशत में लाना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर होगा। मतलब बोलेंगे 7 से काटेंगे, 7 5 35 हो जाएगा, फिर हम लोग 3 से काटेंगे, 6 बार में 3 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, और ये 25 से काटेंगे, 25 4 100 यानी 4 बार में कटेगा, तो फाइनली वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, 6 जगह 24 यानी 24% होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। 60 देखिए काफी बेहतरीन और काफी अच्छा क्वेश्चन लिखा गया है कि एक मिश्रण में 3 प्रकार के चाय के वजन का रेशियो दिया गया 4:5:8 है। एक मिश्रण में 3 प्रकार के चाय का वजन का रेशियो दिया गया, ठीक है, मान लीजिए पहला प्रकार है, यहाँ पे हम लोग का दूसरा प्रकार है, और यहाँ पे क्या है हम लोग का तीसरा प्रकार है, ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो है चाय का वजन का रेशियो दिया गया 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग 5 दिया गया, और यहाँ पे कितना दिया गया, तो हम लोग 8 दिया गया। आगे बोला यदि पहले किस्म के 5 kg, दूसरे किस्म के 10 kg तथा तीसरे किस्म के कुछ मात्रा को मिश्रण में मिलाया जाता है जिससे उनके वजन का जो अनुपात है 5:7:9 हो जाता है, तो अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म के चाय की मात्रा क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
यानी कि यहाँ पहला दूसरा और तीसरा में कितना कितना मिलाया जाता है, पहले किस्म के 5 kg, इसमें हम लोग 5 kg मिलाते हैं, 5 kg मिलाते हैं, 5 kg मिलाते हैं। दूसरे किस्म में हम लोग 10 kg मिलाते हैं, यहाँ पे 10 kg मिलाते हैं। और तीसरे किस्म में हम लोग कितना केजी मिलाते हैं हमको पता नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या मिलाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स केजी मिलाते हैं, कितना केजी मिलाते हैं, यहाँ एक्स केजी मिलाते हैं। तब इसका जो नया रेशियो बनता है वो क्या बनता है, तो यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे 5:2, यहाँ पे हम लोग 7 हो गया, और 2:2 यहाँ पे कितना हो गया फ्रेंड, तो यहाँ पे ये 9 हो गया। तो इससे सबसे पहले आप ये फाइंड कीजिए कि यहाँ पे हम लोग बर्तन एक और बर्तन दो में चाय का जो वैल्यू है वो कितना बता रहा है। पहले इसको हम लोग निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे तब ये निकलेगा। तो चलिए थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर देते हैं, यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं ट्रिपल रेशियो का यूज करेंगे, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50, यानी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और माइनस 7 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 35 हो जाएगा, डिवाइड बाई इसको इससे गुना करेंगे 7 × 28 हो जाएगा, 28 - 25 यानी हो जाएगा 28 हो जाएगा, और -25 हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ऊपर में वैल्यू आ जाएगा आपका 15 और नीचे आपका वैल्यू आ जाएगा 3, 3 से अगर कट करते हैं वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो 5 क्या है, 1 यूनिट का वैल्यू आया है, यानी हम वो से 5 अगर आया है तो ये वाला वैल्यू कितना बताएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा ये हम लोग का हो जाएगा 25 kg। ये पहले वाला वैल्यू कितना हो गया 25 kg हो गया, और ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हम लोग 8×25 = 40 kg, कितना हो जाएगा 8×25 = 40 kg हो जाएगा। अब बात को समझिए, ये वाला वैल्यू मेरा निकल गया, अगर यदि x का वैल्यू अगर हमको मालूम हो जाएगा तो दोनों को जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा मेरा। फाइनली हमसे यही पूछा जा रहा कि अंतिम मिश्रण में तीसरे किस्म के चाय की मात्रा बताइए, तो यहाँ 40 kg इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो हम बोलेंगे फ्रेंड, चूंकि हम लोग इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लोग का सेकंड बर्तन में जो है हम लोग 5 बराबर यानी 25 kg, ये 25 kg है, ये 25 kg है, 25 kg है, और प्लस उसमें क्या हुआ कि हम लोग 10 kg अगर हम ऐड करते हैं, 10 kg अगर हम ऐड करते हैं, ये 10 kg हम ऐड करेंगे, और दूसरे बार तीसरे बर्तन में क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स का वैल्यू मेरे पास ये 40 kg है, 40 kg है, 40 kg है, और प्लस इसमें हम एक्स के जी अगर ऐड करेंगे, ये एक्स के जी अगर हम ऐड कर देते हैं, एक्स के जी अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको नया रेशियो क्या बन जाता है, तो इसका रेशियो बन जाता है 7 हो जाता है, और इसका रेशियो कितना हो जाता है, तो ये हम लोग का ये 9 हो जाता है, 9 हो जाता है। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे 25 और 10 = 35 यानी ये हो गया 35 × 9 हो गया, और बराबर हम लोग इधर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी हो जाएगा 40 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 28 280 होगा, और प्लस हम लोग ये 7x होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 9 × 5 = 45 की 5 × 4 9 किया 27 और 4 = 31 यानी कि 315 हो गया फ्रेंड्स, माइनस हो जाएगा 280 बराबर हो जाएगा हम लोग ये 7x, ऐसा कुछ दिख रहा है, यानी कि हम लोग 5 में से 0 किया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हुआ, तो हम लोग का यहाँ पे हो गया 11 में से 8 गया, तो यहाँ पे हम लोग 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, और इधर कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 7x होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसलिए हम बोलेंगे x का जो वैल्यू होगा, इसलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा 35/7 7×35 यानी x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड्स, हम लोग 7 है ना, x का वैल्यू 5 आ गया, मतलब ये जो x का वैल्यू आया फ्रेंड्स, ये हम लोग 5 kg आया, कितना आया 5 kg आया, और पहले से यहाँ पे हम लोग का थर्ड बर्तन में चाय कितना था, तो 40 kg, इसलिए हम लोग फाइनली क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे 40 kg और प्लस 5 kg बराबर फाइनली आंसर हो जाएगा 45 kg, और यही हम लोग का फाइनली आंसर कर जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 61, देखिए 61 में क्या लिखा गया, एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। एक बीकर है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बीकर है, ये बीकर है, बीकर है, जिसमें हम लोग का क्या चीज दिया गया था, हमको लिखा गया है तो उसमें एसिड, यानी एसिड है और क्या दिया गया, और हमको ये वाटर दिया गया, और वाटर दिया गया है जिसका रेशो कितना दिया गया, ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे कितना दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग का एक्स है, ठीक है। फिर बोला जब 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है, 300 ml यानी कि यहाँ पे 300 ml हम लोग का क्या मिलाया, 300 ml मिश्रण है, यानी कि हम लोग मिश्रण को डालते हैं फ्रेंड्स, ये मिक्सर को डालते हैं, कितना मिक्सर डालते हैं, तो 300 ml, ये 300 ml जो है वह मिश्रण को डालेंगे, तो 300 ml मिश्रण अगर हम डालेंगे तो जिस रेशियो में रहेगा उसी रेशियो में वो बढ़ेगा, यानी उसी रेशियो में उसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ जाएगा,
और 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात जो है 2:5 हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन हिट को लेकर के चलेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतर होगा। इसमें मेरे पास ये ऑप्शन दिया गया, देखिए पहला ऑप्शन में लिखा गया है यहाँ पे 2 है, दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा गया यहाँ पे 1 है, तीसरा ऑप्शन में लिखा गया मेरे पास 3 है, और चौथा ऑप्शन मेरे पास दिया गया यहाँ पे 4 है। ये ऑप्शन किसको बता रहा है, ये हमको बता रहा है एक्स का वैल्यू को बता रहा है, ये एक्स का वैल्यू। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है फ्रेंड्स ये मेरा कितना है, स्टार्टिंग में 2 दिया गया था, यहाँ पे हम लोग 2 मान लेते हैं। ये क्या किए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग ये माने हैं, ये हम लोग एक चीज को क्या कर लिए, मान लिए। तो हम लोग ये जो है मिश्रण जो है उसमें हम लोग 300 ml अगर मिश्रण अगर डाले हैं तो जिस रेशो में इसका ये भाग है उसी रेशो में ये बढ़ेगा, है ना, उसी रेशो में वो बढ़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, सम अगर दिया गया है तो रेशो को एड करके डिवाइड देंगे, मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से अगर डिवाइड देंगे तो ये 100 times में कटेगा, 100 times में कटेगा, मतलब यहाँ पे हम लोग एसिड जो होगा फ्रेंड्स, एसिड जो होगा वो हम लोग का 100 हो जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे जो ये वाटर जो है फ्रेंड्स, ये वाटर कितना है, तो वाटर को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। लेकिन इसमें ये भी क्वेश्चन लिखा गया है, बोला है कि और 50 ml पानी को मिलाया जाता है। तो देखिए अभी वाटर आपको कितना बता रहा है, 200 ml बता रहा है, ये 200 ml है, इसमें 50 ml अगर हम पानी अगर मिला देंगे, और जो क्वेश्चन में ये मेंशन किया, ये हमको दिया गया, ये हमको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ, तो दोनों को एड कर देंगे तो 250 ml ये हो जाएगा, और ये हम लोग कितना रह जाएगा फ्रेंड्स, ये हम लोग का 100 ml ही रहेगा। और यदि अगर इसको हम लोग कट कर देंगे, अगर 50 से तो 50 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, और 50 से काटेंगे तो हम लोग कितनी बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग एक रेशियो आता है, क्या आता है, 2:1 आता है, जो कि मेरे क्वेश्चन में दिया गया है। तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो कि हम लोग ये क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग क्वेश्चन में जो गिवन है, ये हम लोग क्या है, ये दिया हुआ है, मतलब ये सेटिस्फाइड कर जा रहा है। लेकिन सेटिस्फाइड कब हो जा रहा, जब ऑप्शन में ए का वैल्यू, यानी कि हम लोग एक्स का वैल्यू जो है, अगर हम एक्स का जो वैल्यू अगर हम 2 लेकर के चलते हैं तब मेरा ये सेटिस्फाइड कर रहा। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं। तो मेरा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो एक्स का वैल्यू मेरा 2 होगा। 62, देखिए 62 काफी बेहतरीन और काफी प्यारा क्वेश्चन लिखा गया है कि 20 लीटर तथा 36 लीटर के 2 मिश्रण में स्पिरिट और पानी के अनुपात क्रमशः 3:7 तथा 3:2 है। तो फ्रेंड्स बात को समझिए कि हम लोग का 2 मिश्रण है, यानी मिश्रण 1 है, यहाँ पे हम लोग का ये मिश्रण है, ये मेरा मिक्सर है, मिश्रण 1 है, और यहाँ पे एक मेरे पास मिक्सर, ये 2 है, ये मेरे पास मिक्सर क्या, ये 2 है, ठीक है। तो पहला जो मिक्सर है इसमें हम लोग का ये 20 लीटर है, कितना लीटर है फ्रेंड्स, ये 20 लीटर है। तो 20 लीटर में जो है मेरे पास क्या है, 20 लीटर में मेरे पास क्या दिया गया है, तो 2 मिश्रण में स्पिरिट, यानी स्पिरिट है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखा गया, पानी है, जिसका रेशो दिया गया पहला में ये 3:7 है, कितना दिया गया, 3:7 है। और एक दूसरा मिश्रण है फ्रेंड्स, इसमें जो है हम लोग का ये 36 लीटर है, ये 36 लीटर है, जिसमें हम लोग का यहाँ पे लिखा गया स्पिरिट है, स्पिरिट है और वाटर है, जिसका हमको रेशियो दिया गया है, यहाँ पे P is to Q है, ठीक है। बोला दोनों मिश्रण को आपस में मिला दिया जाता है, मतलब इन दोनों मिश्रण को क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग आपस में मिला देते हैं, मतलब 20 और प्लस 36 अगर एड करेंगे तो एक हमको यहाँ पे नया मिक्सर यहाँ पे तैयार हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो 20 और 36 हम लोग हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 लीटर हो जाएगा। और इसमें जो है हमको दिया गया है, बोला कि आपस में मिला दिया जाता है, और नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात जो है, नए मिश्रण में स्पिरिट यानी स्पिरिट हो गया, और यहाँ पानी जो है पानी हो गया, इसका रेशियो हमको दिया गया है ये 27:29 हो जाता है। तो हमको बताना है कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, यानी कि यहाँ पे पी और क्यू का वैल्यू, यानी पी और क्यू का हमको वैल्यू को बताना है। तो फ्रेंड सबसे पहले समझिए आप कि यहाँ पे 20 लीटर था, जिसमें हमको स्पिरिट और वाटर का रेशियो 3:7 है। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग सम दिया गया रेशो 8 करके डिवाइड देंगे, मतलब इसको हम लोग डिवाइड देंगे कितना से, 7 × 3 = 10 से, 10 से अगर डिवाइड देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग 20 / 10 = 2 आएगा, 2 है, मतलब यहाँ पे पहला बर्तन में स्पिरिट कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। और सेकंड बर्तन में हम लोग को वाटर कितना हो जाएगा फिर, तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 लीटर होगा। पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे अगर हम आते हैं, इसमें 36 लीटर है, जिसमें पी और क्यू का रेशियो एग्जैक्टली मालूम नहीं है, चलिए इसको रहने दीजिए, बाद में देखेंगे। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 36 लीटर में 56 लीटर दोनों मिलाने के बाद 56 लीटर स्पिरिट और पानी है,
इसका रेशियो को 8 करके डिवाइड देंगे फ्रेंड्स, 8 करके डिवाइड देंगे तो हम लोग कितना डिवाइड देंगे, तो 56 से डिवाइड देना होगा, वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। मतलब पहला हम लोग जो दोनों मिला जुला जो बर्तन बना उसमें हमको स्पिरिट कितना हो जाएगा, ये 27 होगा, और वाटर कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो वाटर कितना हो जाएगा हम लोग का, ये 29 ही होगा, क्योंकि एक भाग बराबर कितना आया हम लोग का, यानी कि 56 से डिवाइड करेंगे तो एक आया, कितना आया। अब देखिए यहाँ पे हमको फर्स्ट बर्तन में जो था, फर्स्ट बर्तन में जो है वो मेरे पास कितना फ्रेंड्स, मेरे पास स्पिरिट कितना है तो 6 है, तो 6 अगर हम इसमें अगर हम माइनस करेंगे, 6 अगर हम इसमें माइनस करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट बर्तन में अगर 14 है, 14 अगर हम इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे मेरे आ जाएगा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 21 हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 9 में से 4 या 5 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा। मतलब हमको ये जो बर्तन है, ये बर्तन जिसमें 36 लीटर था, इसमें P और Q का ये जो वैल्यू निकला, किसका वैल्यू बता रहा है, P एंड Q का वैल्यू बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये हो गया 21 हो गया, 21 लीटर हो गया, और यहाँ पे हम लोग का ये जो 15 क्या हो गया, लीटर हो गया। इसको यदि अगर हम लोग कट कर देंगे तो रेशो कितना देगा फ्रेंड, तो हम लोग अगर इसको 7 अगर हम लोग 3 से कट करेंगे तो 3 से कट करेंगे 7 बार में कटेगा, 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे 5 बार में कटेगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का जो 36 लीटर जो मिश्रण था उसमें पी और क्यू का जो रेशो कितना था, तो 7:5 था, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे, तो चलिए फ्रेंड्स आप इसी तरह से वीडियोस में एंड तक बने रहिए। आपको यदि कुछ सीखने को मिला है तो आप एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग अगला वीडियो में बहुत जल्द।